भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे पूरे लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, सब तरफ से फोन आ रहे हैं। अब वो आएंगे, वो मोर्चा संभालेंगे। जब झोटवाड़ा मेरी अपनी एक विधानसभा रही है, तो एक खास लगाव तो झोटवाड़ा के साथ है ही। और देखिए, एक खास जो बात झोटवाड़ा में है वो है कि पूरे राजस्थान से जो परिवार आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अगर अपने गांव छोड़कर आते हैं, अब इतना बड़ा, इतनी बड़ी कुर्बानी देते हैं कि अपना गांव छोड़कर आते हैं, तो वो शहर में इसलिए आते हैं ताकि वो आगे बढ़ पाए। तो उनके लिए वो सुविधा, चाहे स्वास्थ्य की हो, एजुकेशन की हो, सड़कों की हो, हर तरह से वो सुविधा तो होनी चाहिए। साथ काम करते थे जिन्होंने, जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े ध्यान से देखा हुआ है, उनको अगर विधानसभा में उतारा जा रहा है तो हम तो जंग लड़ने के लिए तैयार है बिल्कुल। कोई सीट नहीं छोड़ेंगे, कोई मोर्चा नहीं छोड़ने वाले। तो ये अपने आप में एक बहुत शानदार मैसेज है। ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर भी, मध्य प्रदेश में सीधा संदेश है, आप जिस सीट को अपना गढ़ मानते हो, हम घर में घुस के मारेंगे। तो युद्ध है एक तरह से, और युद्ध किस लिए? इस देश के लिए। इस देश की जनता की सेवा सही तरह हो, देश का विकास सही तरह हो, देश के जो रिसोर्सेज हैं, देश के साधन है, वो चोरी ना हो, वो सही जगह इस्तेमाल हो, इस चीज का युद्ध। लास्ट सवाल है, आप चूंकि पार्टी के प्रवक्ता भी है, पहली सूची 41 की आई, माना जा रहा था जो बिल्कुल तय नाम है वो पहली सूची में आएंगे, वसुंधरा जी का नाम नहीं है, ऐसे कई बड़े लीडर्स हैं जिनका नाम पहली सूची में नहीं है, कई प्रकार की चर्चाएं चल रही है। मुझे लगता है अभी तक तो आप सबको आदत पड़ गई होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी वो नहीं करते जो आम चर्चा में होता है, कुछ नया करते हैं। और ये तो खैर पार्टी की स्ट्रैटेजी होगी कि किसका नाम पहले दिया जाए, किसका नाम बाद में दिया जाए, किस समय दिया जाए, ये तो स्ट्रैटेजी है, अपनी अपनी पार्टी की टैक्टिक्स है। लेकिन इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, जैसे वसुंधरा जी हैं और जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनकी गाइडेंस में, देश के जो बड़े लीडर्स हैं उन सब की गाइडेंस में ही ये सारी तैयारी हो रही है।